सूर्य नारायण प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जलभरी सह शोभा यात्रा निकाली गई। खबर रोहतास जिले के नासरीगंज स्थित बरडीहा गांव से है, जहां बरडीहा गांव स्थित सूर्य मंदिर परिसर में सूर्य नारायण प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 27 कुंडीय श्रीराम महायज्ञ का शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। हाथों में कलश लिए हुए नौजवान साथी भगवा झंडे लिए हुए, साथ में पुलिस प्रशासन और भगवान की जयकारा से पूरा नासरीगंज गूंज उठा। शोभा यात्रा बसडी यहाँ से धूस थाना मोड़ बाईपास नगर बाजार होते हुए वापस पूजा पंडाल के पास कलश यात्रा संपन्न हुई। इस दौरान भारी संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग मौजूद रहे। आप वीडियो में साफ साफ देख रहे होंगे कि हजारों की तादाद में ग्रामीण नौजवान साथी, युवा, माताएं, बहनें हाथ में कलश लेकर और जय श्री राम के साथ भगवान का जयकारा लगाते हुए सड़कों पर चल रही है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि परम तपस्वी विष्णुदास महात्यागी जी रथ यात्रा के साथ चल रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बहनें, क्या नौजवान, सभी के हाथों में कलश का भीड़ दर्शाता है कि धर्म के आगे सब कोई नतमस्तक हो जाता है। हजारों की संख्या में भीड़ जब नासरीगंज के सड़कों पर चल पड़ी तो देखते बन रहा था नासरीगंज की पावन धरती भगवान के जयकारे से गूंज उठा। पुलिस प्रशासन की भी बड़ी चुनौती बनी और नासरीगंज थाने की पुलिस ने बखूबी से अपना कर्तव्य निभाते हुए इस सूर्य नारायण प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराया। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद रही। जलभरी कार्यक्रम नगर स्थित पंच मंदिर के समीप सोन नदी के तट पर परम तपस्वी विष्णुदास महात्यागी एवं अन्य महापंडितों के मंचों उच्चारण के साथ जलभरी के कार्यक्रम हुआ और वापस मंडप में आकर जलभरी कार्यक्रम का समापन हुआ। जगह जगह पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मीठे पानी, मीठे जल, मिठाइयाँ की व्यवस्था की, जिसको लेकर जलभरी कार्यक्रम में शामिल माताएं, बहनें, युवकों ने मीठा पान को ग्रहण किया। विश्व कल्याणार्थ अद्भुत दृश्य सूर्य मंदिर के नासरीगंज उपलक्ष्य में प्राण प्रतिष्ठा के समीप श्री राम महायज्ञ का भव्य आयोजन हो रहा है। इस संपन्न में अनेक श्रद्धालुजन है। नासरीगंज की पावन धरती ग्राम बड़िया में हो रहा है, जो कि सोन नदी के तट पर बसा हुआ है। नासरीगंज वगैरह आसपास लोग सब सहयोग में है, पूरी तरह भक्तिमय रह गए। बहुत व्यवस्था की है पानी की, शुद्ध जल पिलाने की, मीठा जल पिलाने की, और धूमधाम से घोड़ा हाथी बड़ा भव्य कलश यात्रा हुआ। यज्ञ से मनुष्य को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यज्ञ करने से दीर्घायु होता है। महाराज प्रियव्रत, महाराज दशरथ, महाराज भागीरथ, दिलीप और महाराज धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही गंगा के नगर हस्तिनापुर में बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था।